ये क्या है? ये वो देखो, वो देखो, वो देखो, कुछ चीज़ है बाहर। क्या है? आया इधर कोई? ओह शिट, सुबह ही निकले। एक मिनट एक मिनट, पत्थर आने शुरू हो गए हैं। ओह अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? मैं यहाँ उकाड़े के रहने वाला हूँ, उकाड़े के साथ रिनाला खुर्द है इसके। यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, काफ़ी सालों से बंद पड़ा है। तो यहाँ पे जो भी इंसान आता है, दिन को आता है या रात को आता है, वहाँ पे बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, बहुत चीखें ऐसे सुनाई देती हैं। इंसान इधर अगर कोई अकेला आ जाए, वो वापस ऐसे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता कि इतनी ज़ोर से आवाज़ें आती हैं, इतनी ख़तरनाक आवाज़ें आती हैं, इंसान का ऐसे ही दम निकल नहीं जाता। ऐसे ही होता है, क्यों बेहोश हो जाता है, किसी की जान निकल जाती है। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई चोर आए ना, एक दो बार चोर भी आए यहाँ पे, दरवाजे जो है वो खेड़ने आए थे, चोरी करने आए थे, तो दिन को यहाँ पे किसी का चक्कर लगा तो वहाँ पे दो तीन की लाशें पड़ी थी और उनके सामान भी पड़ा था, मोज़र वगैरह ऐसे, उनके कपड़े फटे हुए पे। पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं तो आपको भाई यही कहता हूँ, आप आज आ गए हैं, इसके अलावा आप ना इधर आएँ, आपके लिए अच्छा है, ठीक है, आपके भलाई के मैं कह रहा हूँ। तो मैं भी इधर आया हूँ, बस आपको देख के आया हूँ भाई, ये इधर किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस मकसद के लिए जा रहे हैं। तो मैं इनको रोकता हूँ आगे ना जाएं, ये बहुत ख़तरनाक जगह है, यहाँ पे आपका आना या रहना मुनासिब नहीं है। ठीक है भाई, ओके, अल्लाह से। मैं तो जा रहा हूँ, आपको मैं समझाने आया था, ठीक है। और आपने इधर क्या करना है, बैठना, जो भी काम करना वो आपकी आपकी मर्ज़ी, मैं भी जा रहा हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, वेलकम टू अदर वीडियो, वो क्या होगा विद मी वकास। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए और आज हम दोबारा एक नई जगह पर आए हैं और ये हंस रहे हैं क्योंकि ये कभी भी मर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर लें, आपको टाइम दे रहे हैं या फिर हम आगे वीडियो लेके चलते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग मौजूद हैं, ये पीछे एक अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, कई दहाइयों कई सालों से ये बंद है। यहाँ पर हत्ता कि काफ़ी वाकयात रूनुमा हुए। यहाँ पर हमारे साथ अभी अमजद भाई मौजूद थे, उन्होंने हमें इस जगह के बारे में आगाह किया, बता रहे थे कि इस जगह पर जो है साया है किसी चीज़ का, यहाँ पर कोई चोर भी आया था चोरी करने, उनके वेपन्स वगैरह ज़मीन पर पड़े हुए थे, दिन के टाइम उनकी बॉडीज़ देखी गई। अक्सर औकात लोग यहाँ से जब रात के वक्त गुजरते हैं, उन्हें भी अजीबोगरीब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इस जगह पर ऐसा क्या है वो हमें नहीं मालूम, वही चीज़ हम पता करने हैं और आपको दिखाते हैं कि ऐसी जगह पर क्या है, किस चीज़ की आवाज़ है। ये अभी भी मेरे ख्याल से मुझे अंदर से कोई आवाज़ सुनाई दी है। औकात तेरा औकात, किसकी आवाज़ है? ये हॉस्पिटल मुर्दा डेड बॉडी के नहीं है, उसका कह रहा था। हर ये मतलब अस्पताल तो था बड़ा, साथ इसकी और बिल्डिंग है वो टूट चुकी है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है डेड बॉडीज़ भी रखी जाती थी पोस्टमार्टम के लिए। और ये एक मेडिकल हॉस्पिटल था जहाँ पर स्टूडेंट्स वगैरह तजर्बात करते थे बॉडीज़ के ऊपर, और मेडिकल रैब भी था छोटा सा यहाँ पर। लिहाजा इस जगह को तकरीबन बंद हुए आज से 15 साल हो चुके हैं। तो गाइस ये अंदर हम जाने लगे हैं, प्लान थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि हम आउट ऑफ सिटी हैं, तो मैंने कहा हारिस भाई अब साथ ही आ जाएं, गाड़ी के अंदर बैठ के क्या करेंगे आप। तो हारिस भाई भी मेरे साथ हैं, अभी अंदर जाने लगे हैं लोकेशन के। ये आप देखें कि ये इस जो हॉस्पिटल की मेन एंट्रेंस है, क्या हालत हुई है इसकी भी। अभी भी कैमरा सेट कर रहे थे तो ये नीचे डर के मारे नीचे गिर गया मेरे से, और अभी इसको टेप लगा के मैंने खड़ा किया था। बिस्मिल्लाह। अच्छा यहाँ पर कुछ चोर वगैरह आए थे बता रहे थे, और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आगे पीछे भी हुई हैं और उनकी जो डेड बॉडीज हैं यहाँ पर मिली हैं। पहले हम इसका इर्द गिर्द का एरिया जो है वो कवर करते हैं। बिस्मिल्लाह।
हालत तो बिल्कुल ही खराब हो गई जगह की ना, जंगल ही बन गया पूरा, खिड़कियां नहीं लगी हुई के बाहर ठीक है, अगर चोट वगैरह आते रहे। हाँ अभी जो है बिल्कुल हालत जो है बंजर हो चुकी है इस जगह की। दो पीछे भाई हैं और एक मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, और जगह की हालत काफ़ी डरा देने वाली। सूखा पड़ा, क्या हुआ आकाश? इस दरख्त पे एक भी पत्ता नहीं है। हाँ ये पीछे जो दरख्त है ना ऊपर कोई पत्ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इन जगहों पे जो दरख्त होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इन चीज़ों से अभी। लिहाजा हमें यहाँ पे क्या मिलता है दिखाते हैं आपको। क्या ये क्या हुआ? कौन है इधर? कौन है यहाँ पे? हेलो कौन है इधर? अभी अभी कुछ इज यहाँ पर ये हो? कोई आवाज आई है, आवाज आई है, सुनी सुनी है आकाश? हारिस किसकी आवाज सुनाई दी अभी? आवाज बड़ी अजीब आई। कौन है यहाँ पे? चलो जरा हारिस इधर आ जाओ, आकाश भाई इकट्ठे रहना जरा। क्या ना मेडिकल थे इधर, जो स्टूडेंट थे वो मेडिकल सीखने आते थे, वाशरूम जाहिर सी बात है बाहर ही बने होंगे। जरा लाइट नीचे दे दी जरा, क्योंकि कोई साम वाम भी हो सकता है ना। या आप देखें आगे मुझे लाइट दे, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल, मैं इस टाइम गाइस अंधा हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट का नामो निशान नहीं है। ये आप देखें ये ऊपर से आवाज आई है, पता नहीं किसकी आवाज हो सकती ऊपर, कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलाओ जरा अंदर, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और डर की कैफियत तो है, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमें ख़तरनाक जानवर का भी डर है, वो भी हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो क्या यहाँ पर छत्ते हैं काफ़ी तादाद में, तो ये थोड़ा ख़तरनाक काम है, बहुत ही ज़्यादा है, हम यहाँ रिस्क नहीं ले रहे, तो इधर से थोड़ा पीछे ही रहो आप। हारिस लाइट है आपके पास भाई, तो ये आपको अटैक कर सकते हैं। चलें जी ये वॉशरूम जो है इधर से वकास भाई आप कवर करना जरा। ये उधर से देखो, क्या था हारिस? हारिस क्या उधर क्या हुआ? क्या हुआ? पांव फिसल गया। कोई आवाज आई? लगी तो नहीं है चोट? वैसे तो होगी अंदर से, अभी भी हमें कोई आवाज सुनाई दी है लेकिन परफेक्ट नहीं मालूम किस चीज की आवाज है। कौन है अंदर? इधर से आई आवाज, ये कोई आवाज़ गाइस आ रही है, ये इस कमरे में नहीं, यहाँ से आवाज़ आ रही है शायद अंदर से किसी चीज़ की। ये ओ माय गॉड अंदर से आवाज़ आई,
कौन अंदर? लाइट बंद करना जरा, अंधेरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं कुछ। लाइट बंद कर दें जरा, हल्की सी लाइट दे इधर, ऐसा लग रहा सामने कोई है। दरवाजा बंद हो रहा है, दरवाजा। ये जैसे ही तुमने लाइट ऑन किया ना, वो दरवाजा रुक गया अंधेरे में। ये दरवाजा प्रॉपर तौर पर अभी बंद हुआ है। फिर लाइट बंद करना, ये दरवाजा बंद हो रहा है। ऑन करना लाइट ऑन, लाइट ऑन करी। ये अंधेरे में दरवाजा रुक जाता है जब दरवाजा, जैसे हम मतलब करते हैं ना उसको, लाइट को बंद कर रहे हैं तो अभी फिर करेंगे, फिर दरवाजा बंद होगा। चलो मैं करता हूँ, लाइट बंद करना, बंद करना। ये फिर हुआ, दरवाजा फिर खुला, ये बंद हो रहा। कौन है उधर? जैसे लाइट ऑन होती है दरवाजा रुक जाता है। यार अंदर जाना मुझे ही पड़ेगा, तुम लोगों ने लाइट नहीं चलानी, ठीक है मैं जाता हूँ। वो पीछे 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 थोड़ा लाइट जला के पीछे रहना। ये दरवाजा ऑन ऑफ हो रहा जी, लाइट हल्की से चला दो जरा, मुझे अंदर जाने दो। चला दे यार लाइट, क्या हो गया? हल्की सी बस। पीछे हो जा तू ना, क्योंकि अंदर छत्ते हैं, वो अटैक भी कर सकते हैं मेरे पास। रो बिस्मिल्लाह हमद रहा। नहीं समझ लगे ध्यान से, ये अंदर से आवाज आ रही है जी अजीब सी। कौन है? समय लग रही है कुछ बकास तुम्हारे कैमरे में? सही रिकॉर्ड हो रही है? हाँ मैं किया, ठीक हो रही थे। आप ध्यान से बस अच्छा। जाना बंद हो गया। देखिए अगर कोई यहाँ पर है तो हम किसी को परेशान या तंग नहीं करने आए। हमें कोई नुकसान ना पहुंचाइएगा। ये अपने आप खुला है। अंदर जाके दिखाने की मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि अंदर क्या है। बिस्मिल्लाह। कौन? आजे भाई भाई। हाँ जी भाई भाई। देखो तो सही अंदर है क्या? यही वॉशरूम वाली साइड है, वैसे भी ये गंदी जगह है, इधर तो होगा। गंदगी तो पसंद होती है इनको। क्या तुम्हें भी कुछ महसूस हुआ है? वाशरूम की बैक साइड है ये वाशरूम था ये क्या था अंदर आप गए हैं? अभी तक तो कुछ समझ नहीं आया ना। देखो ना इसकी ये चारों तरफ से आ रही हैं। तो मैं दोबारा अंदर जाने लगूं जी? दोबारा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी जो भी अल्लाह की मखलूक है मेहरबानी करके हमें तंग ना कीजिएगा, बिना नुकसान पहुँचाए अगर सामने आ सकते हैं तो आइएगा। ये अंदर जाने की फिर से कोशिश हो रही है। ये बीबी अंदर आई यार, बीबी नहीं, कमरा तो खाली है। टोटल टोटली खाली है।
आवाज आई, आवाज आई पीछे से, चले जाओ। जाले वाले लगे ये। क्या हो काश, बाहर नहीं देख, सीटी मार रहा कोई। क्या हो रहे मुकाश, उधर क्यों देख रहे हो? खिड़की के पास जो अलग सी नजर आ रही है। नहीं देखना ना, उधर उधर नहीं देखना। ये अभी हमें एक आवाज़ सुनाई दे रही है, ये उसी को अट्रैक्ट करती है। जो बंदा इससे शख्स डर रहा हो, इसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करती हैं, चीज़ें मुतवज्जा करती हैं। अगर आपके भी इर्द गिर्द आपके घर के नज़दीक अगर आपके भी घर के नज़दीक ऐसी कोई चीज़ है, जगह है, तो अकेले नहीं जाना अभी भी। वो मतलब तुमने हाथ क्यों रखा हुआ उधर हैं? चुप। ये क्या कह रहे हो आरे सुन? मुझे ऐसा लग रहा है जिसमें काम है, लेकिन दीवार जब हाथ में रखा ना, दीवार हल्की काम शुरू हो रही है। ये वासुम वासुम ये आवाज किसकी? कौन कौन है? बाकी इन झाड़ों के ऊपर पांव तो रखना ही नहीं चाहिए ना। हमारे सामने इस जगह को इन्वेस्टिगेट करना है और हम यहाँ से जाने के लिए तो नहीं आए। आपका पहला दिन है भाई, शायद आपको लग रहा है, लेकिन हमें इस जगह को इन्वेस्टिगेट करना है। लाइट बंद करते हैं एक मिनट के लिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लाइट बंद करिए ज़रा, या हल्की ही करते हैं, लाइट बंद करिए एक मिनट, लाइट टोटली बंद करिए ज़रा। वकाश दिखा अपने कैमरे से कि यहाँ पर हम ये बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग, मतलब इस कमरे में बिल्कुल इस टाइम अंधेरा हो चुका है और हम एक दूसरे की शक्लें नहीं देख पा रहे। ये प्रॉपर तौर पर अंधेरा है इस टाइम। ये मुझे रिकॉर्ड करनी थे, क्या कौन सी दीवार काम पे है इस टाइम? पूरा अंधेरा, सिर्फ आसमान कि जो चांदनी है वही हल्की थी। और ये देखें, ये नाइट विजन है बिल्कुल, ये काम कर रहा है इस टाइम। ये शायद आप देख रहे हो और इसके हाथ में, और ये मैं लाइट जला रहा हूँ, ये सीन है ठीक है। और यहाँ पर अभी भी डर बहुत ज़्यादा हो गया और हम इस डर के रहते हुए इस जगह को इन्वेस्टिगेट करते हैं। चल के बाहर निकल, हम तो पीछे उधर कोई खड़ा है बाहर। बिस्मिल्लाह आओ एक एक करके जल्दी इधर आजा आरिस। हाँ हरकत है किसी की। चलो उसको हम छोड़ दें, मतलब इस जगह पर प्रॉपर तौर पर कोई कोई चीज़ है इस घर के अंदर जी। इसके अंदर है। चले अब हम इस वाले बिल्डिंग में चलते हैं जी। ओह माय गॉड, ये वॉशरूम है। वो कैमरे से रिकॉर्ड करना, वो आंखें किसकी जल रही है? किधर किधर कैमरे से? वो सामने वो जानवर भी हो सकता है, देखो इलाके ही कुछ ऐसा। चलो गाइस, सिचुएशन ऐसी है कि जगह बहुत ज़्यादा पुरानी है और इर्द गिर्द का माहौल उससे ज़्यादा खौफनाक है, क्योंकि इस गांव को
एक नहीं तीन चार रास्ते लगते हैं, लेकिन इस टाइम इसको कोई भी इख्तियार नहीं कर रहा, रास्ते का इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा, क्योंकि लोग इस जगह से खौफ खाते हैं। एक बाइक गुजरी थी थोड़ा देर पहले यहाँ पर, बस वो बाइक की आवाज़ थी, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है। गास ये देखोगे तुम किधर अंदर से, यह वही बिल्डिंग है, ये वही है जो भी देख के हॉस्पिटल, ये बैक साइड। चलो फिर अब अंदर चलते हैं। कोई आवाज सुनाई? हाँ अंदर से आवाज आई है जी। आवाज सुनाई दे रही है गुड़ाने की? हारी हारी से गुराने की एक आवाज आ रही है जी, जैसे कोई हंस रहा हो। क्या कौन? ओए वो सामने कोई है, सामने कुछ कौन है? किधर है? क्या कौन? ओए वो सामने कोई है, सामने कुछ कौन है? किधर है वो अंदर गादा तोड़ में ना कोई साया था अंदर। हाँ यार वो देख के फिर बंदे को डर नहीं आ जाता? सेम वही चीज हुआ। यहाँ पे कोई चीज खड़ी हुई थी इस जगह पे। वो थे वो रिकॉर्ड साया नुमा था काला सा। पता नहीं यहाँ पे कोई चीज थी यार। अभी खुद मैंने भी देखी है, इसको आग लगी हुई है जगह को। आग लगी हुई है इसको, जगह को आग लगाने का मकसद इनको मतलब तबाह करने की कोशिश की गई है। हाथ गंदे हो गए हैं पूरे। तो वाह अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ध्यान से यार, नीचे तबाह हो गई यार, सारी सारी की सारी तबाह हो गई है। किधर ये कौन है इधर? ऐसे भाई इधर से गुजरी थी। ओ ये देखा इधर देखा मैंने, ये तुम्हारे पास भी थी हारी सी इधर। पहले मैंने इसको यहाँ पे देखा है, इस चीज को, ये इस जगह पे थी, फिर हारिस जहाँ पे आप खड़े हो यहाँ से ऐसे गुजर के इधर को गई है और फिर एकदम से गायब। क्या होगा नहीं मैं बता रहा हूँ, इधर से इधर गई है वो। चलो हम देखते हैं, हारिस भाई इकट्ठे रहना आपने, मैं तो खुद देख के ही परेशान हूँ। जलाने की कोशिश की गई ना, ये देखें ये क्या है? वो देखो 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 कुछ चीज है बाहर। ये क्या है? वो देखो 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 कुछ चीज है बाहर। ये क्या है? क्या था? कॉट हुई है? कांच भी है नीचे। कौन सा इधर?
अजीब सी कोई चीज़ थी, प्रॉपर तौर पे नहीं देख पाया लेकिन कोई चीज़ थी अजीब सी, कांच ग्लास कप ये वो काफ़ी सामान है यार यहाँ पे। जलाया गया ध्यान से इधर इधर हट के।